स्वागत है आपका 5 मिनट के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में शनिवार देर शाम भीषण आग से हड़कंप। ट्रॉमा सेंटर से शिफ्ट करते वक्त 6 मरीजों की मौत। इमारत में आग फैलने के बाद लोगों ने अपने मरीजों को बचाने की कोशिश की। कुछ को सड़कों पर स्ट्रेचर और अस्पताल के बेड पर, तो किसी को गोद में उठाकर ही दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया। लखनऊ के अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट करते वक्त 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त करीब 300 मरीज भर्ती थे। हादसे के फौरन बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में जुटने के आदेश दिए, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए वैकल्पिक इंतजाम शुरू किए गए। सीएम ने 3 दिनों में घटना की जांच पूरी करने को कहा। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए 4 घंटे तक मशक्कत की, लेकिन ऐसे हादसों से निपटने के अस्पताल के इंतजाम पर उठ रहे हैं सवाल। बिहार में महागठबंधन पर मंडराए खतरे के बादल। जेडीयू तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़ी, लेकिन तेजस्वी का इस्तीफे से इनकार। बड़ा सवाल, क्या आज नीतीश लेंगे बड़ा फैसला? लालू और नीतीश कुमार के बीच बातचीत बंद। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कांग्रेस को फैसला सुना चुके हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी को इस्तीफा देना होगा। बिहार में महागठबंधन में पड़ी दरार के बीच सोनिया गांधी से मिले शरद यादव। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 40 मिनट की बैठक। बिहार में सरकार बनी रहे, इसके लिए हुई चर्चा। आरजेडी भी अपने स्टैंड पर कायम है। तेजस्वी का इस्तीफा नहीं लिया गया। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस लालू यादव को तेजस्वी के इस्तीफे के लिए मनाएगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नीतीश से गठबंधन ना छोड़ने का भरोसा भी चाहती है। पटना में कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए। नीतीश के ठीक बगल वाली कुर्सी पर तेजस्वी के नेम प्लेट को ढक दिया गया, बाद में नेम प्लेट को हटा दिया गया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी जेडीयू गठबंधन को लेकर कहा कि ये गठबंधन अब एक डेड बॉडी की तरह है, जिसे लोग ढो रहे हैं और अब इस गठबंधन में कुछ नहीं बचा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, राबड़ी जब सीएम थी तो तत्कालीन मंत्री ललित यादव का इस्तीफा एफआईआर होते ही ले लिया गया था। नीतीश अपनी साफ सुथरी छवि से समझौता नहीं करेंगे। बिहार में महागठबंधन पर जारी खींचतान के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू विधायकों की सीएम आवास पर आज बैठक। कांग्रेस और आरजेडी विधायकों ने भी आज ही बुलाई संयुक्त बैठक। संसद के मानसून सत्र और राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज बैठकों का दौर। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम को लोकसभा स्पीकर भी सभी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। सर्वदलीय बैठक के बीच बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी आज अहम बैठक। फिर एनडीए की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम का हो सकता है ऐलान। सोनिया गांधी ने आज विपक्षी सांसदों को चाय पर बुलाया। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी विपक्षी नेताओं से करेंगे मुलाकात। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद शनिवार को गुजरात दौरे पर थे। गांधीनगर में सांसदों विधायकों से मुलाकात कर अपने लिए समर्थन मांगा। कल यानी 17 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। सरकार का करीब 18 बिल को पास कराने का है लक्ष्य, जिसमें व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल भी शामिल। 11 अगस्त तक चलेगा सत्र। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में घायल जवान इलाज के दौरान शहीद। लांस नायक मोहम्मद नसीर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के अजौद गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में 1 आतंकी पाकिस्तानी और 2 कश्मीर के रहने वाले। जम्मू कश्मीर के त्राल में मारे गए आतंकियों के बारे में बड़ा खुलासा, ये आतंकवादी फिर से अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सुरक्षा बलों के एक काफिले पर आत्मघाती हमले की भी थी योजना। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में हालात बिगड़ने के पीछे चीन का भी हाथ बताया। साथ ही कहा कि धारा 370 कश्मीर के लोगों के हित से जुड़ा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पकड़े गए पाक सुरक्षा एजेंसी आईएसआई के एजेंट का चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस के मुताबिक जम्मू से सटे इलाकों की सैन्य जानकारी जुटाने के लिए महिलाओं की नकली प्रोफाइल बनाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या पहुंची 2.5 करोड़। शनिवार को पश्चिम बंगाल के जंगीपुरा में राष्ट्रपति ने एक महिला को एलपीजी कनेक्शन देकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने भी जताई खुशी। बंगाल की खाड़ी में जारी है भारत अमेरिका और जापान की नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार 17। इस मिलिट्री ड्रिल में भारत की ओर से चेतक, यूएसएल हेलीकॉप्टर, नौसैनिक पोत शिवालिक करतब दिखाते नजर आए। गुजरात के राजकोट में बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले 24 घंटे में 348 मिलीमीटर बारिश दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में गुजरात और सौराष्ट्र में जारी रहेगी आफत की बारिश। राजकोट में भारी बारिश की वजह से डैम पानी से भरे। कई गांव में सड़कें सैलाब बनी, कई गांव से संपर्क कटा।
गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जामनगर में भी कई इलाकों में भरा पानी। उत्तर गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश का कहर, धानेरा से थराज जाने वाले हाईवे पर अस्थायी पुल बहने से यातायात ठप, स्कूल भी बंद रहे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश और बाढ़ में फंसे चार लोग, हेलीकॉप्टर की मदद से चारों लोगों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर जान बचाई गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गुंडाना इलाके में बादल फटने से मची तबाही, भारी बारिश के चलते आसपास के इलाके में पानी भरा। राजस्थान के माउंट आबू में आफत की बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एक घर की दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हुई, कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी तो कहीं गाड़ी पर पेड़ गिरा। यूपी के गोंडा में बाढ़ का विकराल रूप, घाघरा नदी के उफान पर होने से कर्नलगंज इलाके में हड़कंप मच गया, कई गांव पानी में डूब गए, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ का खतरा, नेपाल सीमा पर बने गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात, बिहार के पश्चिमी चंपारण में बना है बैराज। यूपी के बाराबंकी में नेपाल से पानी छोड़े जाने से उफान पर घाघरा नदी, कई गांव बाढ़ में डूबे, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी। असम के जोरहाट में तबाही के बाद ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, भारी बारिश और बाढ़ से असम के 25 जिले प्रभावित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात की जानकारी ली। बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ का आज जन्मदिन है, 16 जुलाई 1984 को जन्मी कैटरीना ने 14 साल की उम्र में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी। 2003 में हिंदी फिल्मों में एंट्री के बाद कैटरीना ने कई हिट फिल्में दी। मुंबई में एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान करीना कपूर, सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान पर बोली, कहा सारा बेहद कामयाब हीरोइन साबित होंगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।